President Biden for your friendship. व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत, एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. इन शब्दों में भरोसा है, विश्वास है, विश्व के लिए एक संदेश है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और महान लोकतंत्र का ये महामिलन आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक इबारत लिखेगा, क्योंकि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ही असली लोकतंत्र है और यही भारत और अमेरिका की बुनियाद है। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आई एम डिलाइटेड टू सी यू कम टूगेदर टूडे टू सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन वर्ल्ड्स two great democracies, India and the United States. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 9 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6th अमेरिका दौरा। इन 9 सालों में भारत अमेरिका के रिश्ते इतने मजबूत हुए हैं कि यह 6th दौरा अपने आप में काफ़ी अहम तो था ही, साथ ही काफ़ी अलग भी था, क्योंकि यह था प्रधानमंत्री का पहला स्टेट विजिट। मतलब अमेरिका ने पूरे सम्मान के साथ न केवल प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, बल्कि अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ, जिन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। उन तस्वीरों को दुनिया ने भले ही प्रधानमंत्री के सम्मान के रूप में देखा हो, लेकिन इसी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। इक्कीसवीं शताब्दी में भारत अमेरिका भू राजनीति और वैश्विक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों को 21वीं शताब्दी की एक परिभाषित साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है। ये साझेदारी अमेरिका में बढ़ती भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में और भी मजबूत हो गई है। पिछले कई दशकों में हमने अमेरिका भारत संबंधों में बदलाव देखा है। आज राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की बदौलत ही अमेरिका भारत साझेदारी पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ, व्यापक और अधिक गतिशील दिखाई देती है। भारत और अमेरिका दो महान राष्ट्र, दो महान मित्र, दो महान शक्तियां हैं जो 21वीं सदी की दिशा को परिभाषित कर रहे हैं।
इस राजकीय यात्रा के दौरान जितनी डील, जितने समझौतों का आदान प्रदान हुआ है, वह दर्शाता है कि हमारी साझेदारी आज कितनी व्यापक हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत समुद्र से लेकर सितारों तक, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने तक पहुंची। और इसके केंद्र में हमने देखा कई आर्थिक समझौते, रक्षा सौदे और प्रधानमंत्री की कई खास लोगों के साथ मुलाकात, जो काफ़ी सकारात्मक रही। और आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग की खास बातें क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हरकतों और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दुनिया तेजी से बदल रही है, इस दौर में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व की शक्ति बढ़ाने में पूरक होगी। वहीं बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दोनों देशों के बीच तमाम क्षेत्रों में जो समझौते हो रहे हैं वो आने वाले समय में बड़ा असर डालेंगे। Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान आतंकवाद की समस्या और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर अधिक जोर दिया गया, जिससे दोनों देशों के संबंध में एक नया अध्याय जुड़ सके। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो, और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, इस पैंडेमिक में भी हमने यही देखा है। जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। Indeed, as I travel the world as vice president, I have seen India's global impact firsthand. Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. Throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. भारत और अमेरिका के बीच निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक है। इस बात पर भी फैसला हुआ कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को खत्म कर एक नई शुरुआत की जाए। आज व्हाइट हाउस में हुआ टेक्नोलॉजी हैंड चेक भी दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, दिस इज द मोमेंट। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक
अमेरिका बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% वृद्धि के साथ $128.55 अरब हो गया है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $119.5 अरब रहा था। वहीं 2020-21 में ये सिर्फ $80.51 अरब था। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। 23 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध काफी तेजी के साथ बढ़े हैं, जिसका रिजल्ट है कि पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर $191 अरब से अधिक हो चुका है। जिस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सहमति जताई, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान हुए समझौते हमारे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को गहरा करने के लिए पिछले 2 सालों में गहन द्विपक्षीय साझेदारी की मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान दर्जनों अमेरिकी व्यवसायियों और कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. It was a very inspirational speech. Really about the partnership between the U.S. and India and the strength and the growth of the Indian economy and how the partnership with America couldn't be stronger at this point in time. इसमें Google के CEO सुंदर पिचाई, Tesla के Elon Musk, Adobe Systems के CEO शांतनु नारायण भी शामिल थे। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में कार्यक्रम में भी जाने माने कंपनियों के CEO और बिजनेस लीडर शामिल हुए। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, you know, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the U.S. The excitement here, you know, in terms of seeing the progress India has made. Particularly around the vision of digital India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण रही क्योंकि जो बातें, जो समझौते काफी दिनों से अटके हुए थे, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के जरिए हल कर लिया। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। आइए डालते हैं उन पे एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान एक ऐतिहासिक समझौते में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जीई ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमानों MK-2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार भारत में जीई एरोस्पेस के F414 इंजनों का संयुक्त उत्पादन
हेल के साथ करेगी। मार्क टू तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें जीई F414 इंजन लगना है। बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भारत ने अमेरिका के साथ जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 रीपर हथियारबंद ड्रोन की खरीदी पर भी सहमति दे दी है। ये एक ऐसा कदम है जो न केवल हिंद महासागर में बल्कि चीन के साथ सीमा पर भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 रीपर हथियारबंद ड्रोन 500% अधिक पेलोड ले सकता है और पहले के MQ-1 प्रीडेटर की तुलना में इसमें 9 गुना ज्यादा हॉर्स पावर है, जो इसकी ताकत को दर्शाता है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी को आमंत्रित किया है। माइक्रोन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। अगर कूटनीतिक कदम की बात की जाए तो दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे और भारत सिएटल में एक मिशन स्थापित करेगा। अमेरिका ने अब H-1B वीजा पेश करने के लिए भी सहमति दे दी है, जिसे देश में रहकर ही रिन्यू किया जा सकेगा। ये एक अहम फैसला है जो अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को अपने वर्क वीजा के नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा की परेशानी के बिना अपनी नौकरी जारी रखने में मदद करेगा। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में जिस सबसे खास समझौते पर मोहर लगी है, उसमें से एक आर्टेमिस एकॉर्ड्स भी शामिल है। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना होगा। इससे भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी हैं। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस
एक्कॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर रही। प्रधानमंत्री 9 साल में अब तक 2 बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित कर चुके हैं। दुनिया भर में भी बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं। विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं को यह गौरव मिल सका है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत अमेरिकी आर्थिक संबंधों, खास तौर पर रक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक सेक्टर की आधारशिला रखना, जिसमें वो सफल रहे। और आज के लिए इतना ही, लेकिन अंत में आइए हम आपको दिखाते हैं यात्रा के कुछ अनछुए पहलू। नमस्कार। Challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. Prime Minister of the Republic of India. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. The scope of our cooperation is endless. The potential of our synergy is limitless. And the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world.